हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2015 में आई एक ड्रामा रोमांस मूवी को, जिसका नाम है लेडी चैटर्लीज लवर। इस मूवी में हम एक औरत को देखेंगे जिसका पति एक युद्ध में घायल हो जाता है। अब घायल होने की वजह से ये आदमी अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता, जिसकी वजह से इसकी पत्नी अपने नौकर के साथ अपना नाजायज संबंध बनाती है। आगे चलकर इस औरत के साथ में क्या क्या होता है ये आपको आगे की एक्सप्लेनेशन में पता चलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है और हम कुछ वर्कर्स को एक माइन में माइनिंग के काम करते हुए देखते हैं। माइन में काम चल ही रहा था कि तभी यहाँ पर एक धमाका होता है। इस जगह पर ओलिवर नाम का एक वर्कर होता है जो भागकर माइन में काम कर रहे लोगों की मदद करने आता है। माइन में ब्लास्ट होने की वजह से कई सारे लोग यहाँ पर घायल होते हैं, लेकिन टेड नाम का एक वर्कर यहाँ पर मारा जाता है। टेड की बॉडी को उसके घर पर पहुँचा दिया जाता है। टेड की मौत से उसकी पत्नी काफी रोती है। इसके बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम कोलीन नाम की एक ब्यूटीफुल सी लड़की को देखते हैं। पार्टी में आए सभी लोग कोलीन की सुंदरता को ही देख रहे थे। इस पार्टी में एक क्लिफोर्ड नाम का बंदा होता है जो हिम्मत करके कोलीन से बात करने आता है। हम आपको बता दें कि क्लिफोर्ड एक अमीर आदमी के साथ साथ एक सोल्जर भी होता है। इस पार्टी में डंकन नाम का एक और आदमी होता है जो क्लिफोर्ड को कोलीन से बात करता देख खुद पर काफी जलन महसूस करता है, क्योंकि ये भी कोलीन को काफी पसंद करता था। कोलीन यहाँ क्लिफोर्ड से बातें करती है। पहली मुलाकात में ही इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद ये दोनों एक दूसरे से शादी भी कर लेते हैं। शादी के समय ये दोनों एक दूसरे को हमेशा साथ देने का वादा भी करते हैं। शादी के बाद कोलीन और क्लिफोर्ड की जिंदगी काफी अच्छी बीत रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद क्लिफोर्ड को सेना में जाना पड़ता है। क्लिफोर्ड यहाँ सोल्जर्स के साथ में था कि तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से क्लिफोर्ड यहाँ घायल होता है। क्लिफोर्ड के घायल होने की वजह से इसे घर पर भेज दिया जाता है। कोलीन भी बेसब्री से क्लिफोर्ड का इंतजार कर रही थी। क्लिफोर्ड जब घर आता है तब ये यहाँ चल नहीं पाता, क्योंकि वार में घायल होने की वजह से क्लिफोर्ड के कमर के नीचे का पूरा हिस्सा पूरी तरह से पैरालाइज हो गया था। क्लिफोर्ड अपने इस हालत से काफी सैड था, इसलिए ये यहाँ सबको थैंक्स बोलकर कमरे में चला जाता है। कोलीन क्लिफोर्ड को इस हालत में देखकर काफी दुखी होती है। कोलीन जब क्लिफोर्ड के पास आती है तब वो देखती है कि क्लिफोर्ड सुसाइड करने जा रहा था, इसलिए कोलीन भागकर उसके पास आती है और क्लिफोर्ड को सुसाइड करने से रोकती है और कहती है कि तुम जैसे भी हो मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगी और तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखूंगी। कोलीन की बात सुनकर क्लिफोर्ड शांत हो जाता है। इसके बाद हम ओलिवर को देखते हैं, जिसने अब माइन का काम करना छोड़ दिया था, इसलिए ओलिवर काम के सिलसिले में क्लिफोर्ड के पास आता है। क्लिफोर्ड को यहाँ पता चलता है कि ओलिवर पहले इसके ही माइनिंग कंपनी में काम करता था, इसलिए क्लिफोर्ड ओलिवर को काम पर रख लेता है। एक दिन क्लिफोर्ड कोलीन के साथ ओलिवर से मिलने जाता है, क्योंकि ओलिवर जंगल में रहता था। ओलिवर यहाँ बर्ड्स की देखभाल करता था। कोलीन यहाँ पहली बार ओलिवर को देखती है। क्लिफोर्ड ओलिवर से यहाँ बातें कर रहा था, लेकिन कोलीन की नजर ओलिवर पे ही होती है, मानो कि इसे ओलिवर से प्यार हो गया हो। अगली सुबह कोलीन क्लिफोर्ड को नहाने के लिए उठाती है, लेकिन सपोर्ट टूटने की वजह से क्लिफोर्ड कोलीन के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से कोलीन के कमर में चोट आ जाती है। कोलीन को चोट आई थी, इसलिए क्लिफोर्ड को आज उसकी एक मेट वॉल्टन इसे नहलाने आती है। वॉल्टन क्लिफोर्ड से कहती है कि कोलीन तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि वो सिर्फ तुम्हारे पैसों से प्यार करती है। वॉल्टन की सारी बात कोलीन सुन लेती है। कोलीन क्लिफोर्ड से कहती है कि तुम वॉल्टन की बात मत सुनो, क्योंकि वो तुमसे झूठ बोल रही है ताकि हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं। क्लिफोर्ड यहाँ कोलीन की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि बस मैं पहले की तरह नॉर्मल होना चाहता हूँ। अगले दिन कोलीन ओलिवर को उसके कमरे की चाबी देने आती है, लेकिन कोलीन यहाँ ओलिवर से बात करने की कोशिश करती है, बट ओलिवर कोलीन से गुस्से में बात करता है, जिसकी वजह से कोलीन भी यहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन कोलीन को एक लेटर मिलता है जिसे ओलिवर ने ही भेजा था। ओलिवर ने कल कोलीन से गुस्से में बात की थी, इसलिए ओलिवर यहाँ कोलीन से माफी मांगता है। शाम को कोलीन ओलिवर से मिलने आती है। यहाँ पहुँचकर कोलीन झाड़ियों के पीछे से
छुप कर ओलिवर को देखने लगती है। कोलीन ओलिवर के पास आती है। कोलीन को आता देख ओलिवर काफी नर्वस होता है क्योंकि ओलिवर कोलीन को अपने मालकिन मानता है। कोलीन ओलिवर से बात करना चाहती थी लेकिन ओलिवर कोलीन की बातों को इग्नोर करने लगता है, जिसकी वजह से कोलीन ओलिवर पर गुस्सा होकर यहाँ से जाने लगती है कि तभी यहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से कोलीन को ओलिवर के घर में आना पड़ता है। ओलिवर यहाँ आग जलाता है। कोलीन ओलिवर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन ओलिवर उठकर दूर चला जाता है। कोलीन ओलिवर को अपने पास बुलाती है लेकिन ओलिवर कोलीन के पास नहीं आता। अब बारिश बंद हो चुकी थी जिसकी वजह से कोलीन अपने घर चली आती है। रात में कोलीन क्लिफर्ड के साथ दमादम करने की सोचती है लेकिन क्लिफर्ड कोलीन को रोकता है और कहता है कि ये इसके साथ दमादम नहीं कर सकता क्योंकि अब ये कभी भी कोलीन को खुश नहीं कर पाएगा। अगले दिन कोलीन क्लिफर्ड को डॉक्टर के पास लेकर आती है। डॉक्टर यहाँ क्लिफर्ड को इलेक्ट्रिक शॉक देकर इसे ठीक करने की सोचते हैं लेकिन कोलीन जब क्लिफर्ड की चीख सुनती है तब ये भागकर कमरे में आती है और डॉक्टर को इलेक्ट्रिक शॉक देने से मना करती है। क्लिफर्ड खुद की ऐसी हालत से काफी रोता है। एक दिन कोलीन फिर से ओलिवर के पास आती है। ओलिवर कोलीन को एक चूजा देता है। इस बच्चे को देखकर कोलीन रोने लगती है क्योंकि कोलीन भी अपना एक बच्चा चाहती थी लेकिन इसके पति का आधा शरीर पैरालाइज था जिसके वजह से ये अब कभी भी मां नहीं बन सकती थी। कोलीन यहाँ पर रो रही थी इसलिए ओलिवर इसके पास आता है और ये इसे शांत करता है। कोलीन ओलिवर के पास आकर शांत हो जाती है क्योंकि ये ओलिवर को पहले से ही पसंद करती थी। ओलिवर और कोलीन घर में आते हैं। घर में आकर ओलिवर कोलीन के साथ प्यार भरा घपाघप करता है। अब शाम को कोलीन अपने घर जाने लगती है तब ओलिवर कोलीन से कहता है कि ये इससे प्यार करने लगा है जिसकी वजह से इसके साथ में रहना चाहता है लेकिन कोलीन इसे कुछ बोले बिना ही यहाँ से चली जाती है। रात में बादल गरज रहे थे और तेज हवा भी चल रही थी। हम देखते हैं कि कोलीन को ओलिवर की याद आ रही थी इसलिए इसे नींद नहीं आती। कोलीन अपने आप को रोकने की काफी कोशिश करती है लेकिन ये खुद को नहीं रोक पाती और भागकर ओलिवर से मिलने जाती है। कोलीन को यहाँ से बाहर जाते हुए इसकी मेट वॉल्टन इसे देख लेती है। कोलीन जब ओलिवर के पास पहुँचती है तब ओलिवर कोलीन को देख काफी खुश होता है। ये दोनों यहाँ पर फिर से खपागप करते हैं। अगले दिन क्लिफर्ड के घर पर पार्टी होती है। इस पार्टी में कई सारे लोग यहाँ पर आए थे। इस पार्टी में डंकन भी आया था जो कोलीन के साथ डांस कर रहा था। अगले दिन क्लिफर्ड कोलीन से अपने बच्चों के बारे में बात करता है और कहता है कि ये कोलीन के साथ बच्चा पैदा नहीं कर सकता, इसलिए तुम चाहो तो किसी के भी साथ घपाघप कर सकती हो लेकिन उस बच्चे का बाप मैं ही रहूंगा। ये सुनकर कोलीन क्लिफर्ड पर काफी गुस्सा होती है और यहाँ से चली जाती है। कोलीन ओलिवर के पास आती है और घपाघप करती है। कई दिन हो जाते हैं। एक दिन कोलीन को पता चलता है कि ये प्रेग्नेंट है। कोलीन ये बात क्लिफर्ड को भी बताती है जिसकी वजह से क्लिफर्ड भी काफी खुश होता है। क्लिफर्ड कोलीन से उस आदमी के बारे में पूछता है लेकिन कोलीन इसे कुछ भी नहीं बताती। एक दिन क्लिफर्ड कोलीन के साथ जंगल में घूम रहा था। क्लिफर्ड अपने गाड़ी से आगे निकल जाता है और कोलीन पीछे ही रह जाती है। हम देखते हैं कि कोलीन के पास ओलिवर आता है और ये उसे किस भी करता है लेकिन तभी क्लिफर्ड कोलीन को बुलाता है क्योंकि उसकी गाड़ी एक गड्ढे में फंस गई थी। ओलिवर यहाँ आता है जो धक्का लगाता है। माइन में ज्यादा दिन तक काम करने की वजह से ओलिवर की तबीयत काफी खराब होती है। गाड़ी निकालने के बाद ओलिवर यहाँ से खांसते हुए चला जाता है। अब कोलीन को पता चल गया था कि ओलिवर की तबीयत खराब है इसलिए ये भागकर ओलिवर के पास आती है। ओलिवर कोलीन को यहाँ से जाने को कहता है लेकिन कोलीन कहती है कि ये इससे प्यार करती है इसलिए ये इसे तकलीफ में छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाएगी। एक दिन क्लिफर्ड की मेड वॉल्टन ओलिवर के घर आती है। यहाँ वॉल्टन को कोलीन की डायरी मिलती है जिसकी वजह से वॉल्टन को पता चल जाता है कि कोलीन ओलिवर से ही मिलने आती है और उसके पेट में जो बच्चा है वो बच्चा ओलिवर का है। क्लिफर्ड अपने बच्चे की खुशी में पार्टी कर रहा था कि तभी वॉल्टन यहाँ क्लिफर्ड को बताती है कि कोलीन के पेट में जो बच्चा है वो बच्चा इनके नौकर ओलिवर का है। अब क्यों
क्योंकि कोलीन ने ओलिवर के साथ अपना नाजायज संबंध बनाया था, वॉल्टन कोलीन को सारा सच क्लिफर्ड का बताती है, क्योंकि वॉल्टन क्लिफर्ड को ये सब बताकर अपना बदला पूरा करना चाहती है। दरअसल वॉल्टन का पति टेड होता है, जिसे हमने मूवी की शुरुआत में क्लिफर्ड के माइनिंग में काम करते हुए देखा था, लेकिन वो माइनिंग में ही काम करते हुए मर गया। इस बात से वॉल्टन क्लिफर्ड पर हमेशा गुस्सा करती थी। सारा सच जानकर क्लिफर्ड कोलीन पर गुस्सा होता है, जिसकी वजह से कोलीन वॉल्टन के पास आती है। कोलीन वॉल्टन से झगड़ने लगती है। कोलीन यहाँ रोते हुए कहती है कि ये ओलिवर से प्यार करती है और ये उसे खोना नहीं चाहती। ये सुनकर वॉल्टन की भी आंखें नम हो जाती हैं। वॉल्टन को यहाँ अपनी गलती का एहसास होता है, जिसकी वजह से वॉल्टन कोलीन से माफी मांगती है और कहती है कि तुम जल्दी से ओलिवर के पास जाओ, क्योंकि क्लिफर्ड उसे मारने गया है। ये सुनकर कोलीन भागकर ओलिवर के घर पर आती है। कोलीन यहाँ ओलिवर को बुलाती है, मगर ओलिवर यहाँ पर नहीं होता। कोलीन यहाँ बैठकर रोने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर ओलिवर आता है। ओलिवर को यहाँ जिंदा देख कोलीन इसे गले से लगा लेती है। कोलीन ओलिवर के साथ घर पर आती है और ये यहाँ क्लिफर्ड से डिवोर्स मांगती है, लेकिन क्लिफर्ड डिवोर्स देने से मना करता है। ओलिवर और क्लिफर्ड एक दूसरे से झगड़ते हैं, लेकिन कोलीन क्लिफर्ड को कुछ भी नहीं कहती। कोलीन ओलिवर के साथ यहाँ से बहुत दूर चली जाती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।